आज दिस इज मनीष शर्मा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस कल के सेशन के लिए, एंड विल डिस्कस द स्टॉक्स एज वेल। सो मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्लियरली बताया था कि निफ्टी थोड़ा सा बुलिश रह सकता है और बैंक निफ्टी थोड़ा सा बेरिश रह सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी काफी वीक लग रहा है अभी भी। अगर आप देखो 22,000 क्रॉस नहीं कर पा रहा है। सो हम लोग एनालिसिस करते हैं कल के सेशन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। तो आप निफ्टी का चार्ट मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो, ये अभी भी ट्रेंड लाइन के नीचे ही है। अगर मैं यहाँ से एक सिंपल ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ, 11,270-11,280 एक लेवल होगा। अगर वो क्रॉस कर लेता है तो वापस निफ्टी बुलिश हो जाएगा। 11,270 के नीचे रहता है तो साइडवेज टू बेरिश रहेगा। तो आपको 11,270 ये लेवल मार्क करना है। ये लेवल के ऊपर जाता है तो आपको लॉन्ग पे ज्यादा ध्यान देना है। अभी फिलहाल निफ्टी थोड़ा सा साइडवेज है। अगर आपको बेरिश ट्रेड लेना है इंडेक्स में तो बैंक निफ्टी ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा। अब डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अभी भी वीक है, आप देख सकते हो अभी भी ये ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आप देख सकते हो, इसी रेजिस्टेंस के आसपास निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है 22,000 के अराउंड। सो 22,000 के ऊपर अगर जाता है तो बैंक निफ्टी बुलिश होगा, अदरवाइज बैंक निफ्टी नीचे अगर रहता है 22,000 के तो बेरिश होने के चांसेस ज्यादा है। अगर आपको शॉर्ट ट्रेड लेना है तो 22,000 के स्टॉप लॉस से आप शॉर्ट ट्रेड कर सकते हो। अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स। मैंने आपको लास्ट वीडियो में अपोलो टायर बाय दिया था, मैंने आपको लॉजिक भी समझाया था। 118 के ऊपर मैंने बाय दिया था। इसमें डेफिनेटली आप लोगों ने काफी अच्छा पैसा बनाया होगा क्योंकि ये 6% ऊपर था। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपने अपोलो टायर में प्रॉफिट कमाया या नहीं कमाया। नेक्स्ट स्टॉक मैंने आपको दिया था एमएफएसएल। एमएफएसएल भी अगर आप देखो मैंने सेल दिया था, ये भी नीचे जाके आया है। इसमें भी काफी अच्छा इंट्राडे में पैसा बनाया। सो एमएफएसएल और अपोलो टायर ये दोनों में आपको पैसा आया होगा। एंड लुपिन जो मैंने आपको बाय दिया था, ये बाय लेवल ट्रिगर ही नहीं हुआ, 946 के ऊपर मैंने बाय दिया था और ये गैप डाउन ही ओपनिंग हुआ है। सो इसमें हमारा जो बाय ट्रेड था वो ट्रिगर नहीं हुआ। अब डिस्कस करते हैं कल के सेशन में कौन से स्टॉक्स पे ज्यादा ध्यान देना है। सबसे पहला स्टॉक होगा एनआईटी टेक। एनआईटी टेक अगर आप देखो 2000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है, राउंड ऑफ नंबर है, उसके नीचे क्लोज हुआ है। और अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है ये स्टॉक में, क्योंकि मल्टीपल रेजिस्टेंस के आसपास है। सेटअप भी थोड़ा सा नेगेटिव है, मुझे लगता है इसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकता है। सो ये काफी अच्छा शॉर्ट रहेगा। कौन से लेवल पे शॉर्ट करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। इसमें प्रॉफिट बुकिंग के कारण थोड़ा सा फॉल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ट्रेंड अभी भी ऊपर ही है, लेकिन 2000 का लेवल टूटा है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक होगा सन टीवी। सन टीवी अगर आप देखो, सन टीवी में मुझे स्ट्रक्चर काफी नेगेटिव लग रहा है। ये 360-370 तक आ सकता है। इसमें 30-40 रुपए का फॉल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और 400 का साइकोलॉजिकल लेवल भी टूटा है तो एक शार्प फॉल में देखने को मिल सकता है। कौन से लेवल पे शॉर्ट करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा, लेकिन ये भी हम लोग 370 के टारगेट के लिए शॉर्ट कर सकते हैं। एंड लास्ट स्टॉक होगा एशियन पेंट। एशियन पेंट काफी अच्छा स्ट्रक्चर लग रहा है मुझे। अगर आप देखो ये ऑलमोस्ट टीवीएस मोटर जैसा ही पैटर्न बना रहा है। टीवीएस मोटर भी ऐसा ही सेटअप था, उसके बाद ऊपर गया था। एशियन पेंट में मुझे काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ से 30-40 रुपए का आप मूव में देखने को मिल सकता है। सो एशियन पेंट काफी अच्छा बाय रहेगा। कौन से लेवल पे बाय करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। अगर आपको वीडियो और एनालिसिस अच्छा लगा और अगर आपको मेरे वीडियो से प्रॉफिट भी आ रहा है और लर्निंग भी मिल रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, प्रॉफिट एंड लर्निंग दोनों हो रहा है या नहीं हो रहा है। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।